Experience the thrill of PSL 9 live on A-Sports. वैसे क्या बात है आंटी, आपसे तो 24 घंटा नहीं रुका गया और बेटे की याद आ गई। कितने किलो? 5 किलो कर दे। ये और झटका वाला, ये धुआं धुआं, यस। देखो मुझे सिर्फ एक मौका दो, सिर्फ एक मौका दो, मैं अभी वही फरहाद, मुझे एक मौका दो अपनी सिस्टर। नहीं, तुम वो फरहाद नहीं हो, और ये फरहाद जो भी है मैं इसको जानना नहीं चाहती। मेरा यही फैसला है, इट्स ओवर। शगो जी भाभी, फरिया को देखने के लिए लड़का आ रहा है। लड़का आ रहा है? कब? अभी अभी। उसे कहो कि रेडी होकर नीचे आ जाए, मेहमान आए हुए हैं। भाभी ऐसे कैसे किसी के भी सामने उसे पेश कर देंगे? आपको तो फरिया की तबीयत का बहुत बेहतर पता है, नाराज हो जाएगी वो। तो होने तो नाराज, अगर उसे बताएंगे तो कुछ ना कुछ बहाना करके गायब हो जाएगी कहीं। और हाँ, तुम भी उसे कोई उल्टी सीधी पटियां मत पढ़ाना। भाभी मैं उसे पटियां क्यों पढ़ाऊंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मेहमानों के सामने कोई तमाशा न बन जाए। इसीलिए कह रही हूँ, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस उसे तैयार करके नीचे ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। जी। देखा आपने, हमेशा रोड़े अटकाने की बात करती। तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, मेहमान आए हैं, जाके मिल लो। कौन है? मुझे नहीं मिलना अभी किसी से। मन ने ना थी खबर, तुम्हारी अम्मी से जाके पूछ लो। शगो पुपो, गुजराती मोड ऑन है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं आती ना समझ, सो प्रॉब्लम। बोला ना, अपनी अम्मी से जाके पूछ लो। मुझसे तो बस इतना ही कहा था कि नीचे बुलाओ, आपकी मेहरबानी, नीचे तशरीफ ले जाएं। अब बात आई समझ में? ओके चल। ये क्या हाल बनाया कमरे का? शगो पुपो, आई एम नॉट लाइकिंग दिस वाइब। अभी पता चलेंगी वाइब्स। आप कथा थी दशा, टोटल डिजास्टर। भाई साहब नहीं है क्या घर पे? अजी वो सामने को। वालेकुम सलाम, गेम छो मजामा, आ जाओ बैठो, आओ बैठो। माशाल्लाह कितनी बड़ी और प्यारी हो गई है, बचपन में देखा था इसको। अच्छी बेटा, चाय सर्व करो सहमत को और आंटी को। अंदर से किसी को बुला लेते हैं चाय सर्व करने के लिए। अरे नौकर क्यों करेंगे, हमारे यहाँ सारे घर के काम औरतें ही करती। माशाल्लाह, पापा को तो बुलाएं। हाँ वो नहीं, वो घर पे नहीं है, वो बहुत अपसेट थे कि वो पहुंच नहीं सकेंगे, और उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी रिपोर्ट चाहिए। मजाक करने की हमेशा की आदत है इसकी, घर में रौनक लगा के रखती है। बेटियों से ही तो घर में रौनक हुआ करती है। आप कुछ लेना परिया, चाय दो। अरे नहीं सरमत, चाय नहीं पीता, ये तो कॉफी पीने वाले बच्चे हैं।
परिया को बहुत अच्छी कॉफी बनानी आती है, अभी बना के ले आएगी। मैं सोच रही थी क्यों ना बच्चे यहीं करीब से कॉफी पीकर आ जाएं, इस तरह आपस में गपशप भी हो जाएगी। लेकिन ये तो मुनासिब नहीं रहेगा। अम्मी, सरमत लोगों को हम कितने दिनों से जानते हैं, ये करीब में जाके आधे घंटे में आ जाएगी। वक्त बदल गया है, बहुत जरूरी हो गया है सब कुछ आजकल। ऐसे भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी को शिकायत का मौका दे। हाँ हाँ, हम भी इतने दक्कनूसी कहा, आप तो अपने हैं, अगर आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे। वही तो भाई, आखिर को फैसला तो इन बच्चों ने ही करना है ना। जी जी, ये बात तो सही है। जाओ फरिया। जाओ, करीब में ही जाना है, आधे घंटे में आ जाना। आई आई। घबराई गई। अब सदा कहा भाई, सब तो करनी है, पट्टी खेलनी है, डब्बू खेलनी है, पता 5 कप चाय के पिए हैं मैंने, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल अभी भी उदास ही है भाई। अरे कोशिश तो कर रहा है ना, दो मिल के कर रहे ना कोशिश, मतलब स्टेशन दो भाई, हो जाएगा सही यार, ऐसा ऐसा होता है, देखा मामले थोड़ा टाइम लगाते हैं। मुझे बहुत जल्दी लगी हुई, अभी जादू की छड़ी तोड़ी अपने पास यार, घुमाई मंत्र फूंका तो सेट हो गया, पर टाइम लगता है। मुझे देख ले यार, मेरी वाली भी छोड़ गई थी मुझे, अब देख विवाह कर रहा हूँ, लाइफ को सेट है सब। तू जो है ना ओवर थिंक बहुत करता है यार, तेरा ये बहुत मसला है। चल छोड़, अब तू सब छोड़, सीधा चल, मैं तुझे मस्त किस्म की ना गोला गंडा खिलाते हैं। चलो 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 मेरा भाई, सीधा कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है वो भाई, सीधा जाना है। हेलो फराज, ऐसे करेगा तो कैसे करेगा मूव ऑन यार। अरे नहीं करना मुझे मूव ऑन, वो भी तो अपसेट होगी। एक समय देखना चाहता हूँ अंसारी का रो रो के हाल हो क्या होगा। तो फिटफाट लग रही है, सब निकल जा, देखो क्या कर रहा है। एजी ठीक है जी, इट्स फाइन। म्यूजिक लगाता हूँ, एक्चुअली डैड ने रिसेंटली गाड़ी दी है बर्थडे गिफ्ट में ना, तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। नहीं दैट्स ओके, म्यूजिक के बगैर ठीक है। रियली ओके, एज यू विश। हो सकता है कोई कजन ब्रादर हो।
लेना एक बलून। कजन ब्रदर हाँ क्या बता उसे बलून पसंद हो हाँ? आपके लिए वो फोन करना तो कोई इससे सीखे। यार बंदा क्लास का ले रहा है, अपने भाई की तो फिर अलग ही क्लास है ना। चल ना यार क्या फायदा, निकलते चल। भाई कहाँ जा रहा है? बात करनी है मुझे उससे। पागल है क्या? क्या बोले तो उससे? अबे पता नहीं लेकिन बात करनी है मुझे उससे। भाई तू होश में नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। मुझा कर। अबे बात समझी हुई है। बराबर। ये रोलेक्स भी ना कभी कभी बहुत हैवी फील होती है, रिस्ट में दर्द होने लगता है। क्या लेंगे आप? कैपेचिनो लाटे? मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आपको जो चाहिए आप ऑर्डर करते हैं। ओह रियली? आई लव कॉफी, मैंने तो घर पे मशीन लगा ली। तो फिर घर से ही पीकर आ जाते, यहाँ पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये वेटर नजर नहीं आ रहा। आई थिंक वहाँ ऑर्डर प्लेस करना। In that case, मैं आपके लिए अपनी पसंद की कॉफी ऑर्डर करता हूँ। आपने ऐसी कॉफी पहले कभी नहीं पी होगी। I'm sure you'll change your mind. I can take my own decision. Relax, it's just coffee. ठीक कर रही हो? यहाँ क्यों चला आया? शायद ये बताने आया था कि डिप्रेशन मुझसे बैठी है। ठीक कर रही हो? कौन है बेदू? क्यों फ्री हो रहा है? अच्छा केरी लड़की देखकर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अरे इसका हुलिया तो देखो, कैसे कैसे चीप लोगों को नहाने देते हैं। ओ निकल यहाँ से और नमी तोड़ दूँगा तेरा। और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस पे हाथ उठाने की? और तुम समझते क्या हो खुद को? कोई तरीका किसी के साथ बिहेव करने का ये? How dare you? तुम जानती हो कैसे इस दो टके के लड़के के लिए तुमने मेरी इंसल्ट की? मैं बताता हूँ तुम्हें। अबे वो सोचता भी नहीं तो मैं यही गाड़ दूंगा। तू जानता नहीं मुझे, मैं देखूंगा तुझे। हाँ तू जानता नहीं है। वो सामान भूल गया होगा, मैं देख आता हूँ। ये किस लिए था? Because you deserve it. चलो अब। और कहाँ? घर छोड़ने मुझे और कहाँ? फरहाद बाइक रोको। क्या? मैंने कहा बाइक रोको। फरहाद बाइक रोको मैंने कहा। रोको। अरे हुआ क्या है? प्रिया, प्रिया कहाँ जा रही हो? प्रिया,
यार कहाँ जा रही हो यार? अरे मेरी बात तो सुनो प्रिया। प्रिया सो प्रॉब्लम छे हां तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मारे पागल करी दी तो छे। मुझे शुद्ध राती नहीं आती, लेकिन तुमने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया कि मुझे नहीं समझ आ रहा ये कहां से निकल रही है। जब से तुम आए हो ना, तब से सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुम खुद को समझते क्या हो? हां सख्त नफरत है मुझे जब दूसरे लोग मेरी जिंदगी के फैसले करते हैं। तुम्हें किसने हक दिया? खुद ही सोच लिया तुमने कि मैं किसी चीप शो ऑफ रोलेक्स वाले से प्यार करूंगी और किसी पकवान वाले से प्यार नहीं कर सकती। खुद ही हाँ कौन होते हो डिसाइड करने वाले? फिर मैं तो सिर्फ चुप। अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मेरे पास है, समझे? तो किससे प्यार करती हो तुम? तुमसे यू इडियट। आई लव यू फरहाद। लॉक करें? नॉट ओवर? अगर फिर से झूठ बोला तो? मुझे पता है तुम क्या कर सकती हो। आइंदा कभी कोई पंगा नहीं लूंगा, प्रॉमिस। सॉरी चलो फिर जल्दी से घर लेकर चलो। अभी तक ना मेमन हॉटलाइन पे बात फैल चुकी होगी कि प्रिया मोतीवाला ने किसी को थप्पड़ मारा। वाह मोतीवाला, वैसे पता है मैंने कभी सोचा नहीं था मैं किसी लड़की के चमाट से फ्लैट हो जाऊंगा। क्या बात है, चलो फिर। चाची हाँ, आज का इंतजाम भी उन्हीं लड़कों से करवाया जिन्होंने ढोलकी का इंतजाम किया। नहीं क्या हो गया, अपनी बेटी की शादी खराब करवानी है क्या? नहीं बेटा, हर बार नहीं, हर बार कोई। साकिन भाई पे जो इतना बताएं। किस किस्म के बंदे के साथ आप लोगों ने मुझे भेज दिया था? पता है कितना वायलेंट बदतमीज इंसान था वो, तो बहुत ही डर गई थी। तुम डर गए, लेकिन उसकी अम्मी ने कहा कि तुमने बदतमीजी की, तुमने थप्पड़ मारा उसे। तो ये नहीं बताया कि क्यों मारा? जरूर तुमने ही कोई बदतमीजी की होगी ना। ठीक है मुझे ही बोले, मैं कहती हूँ आप उसे फोन लगाए, जरा पूछे कि क्यों मारा था थप्पड़ और वो वहां पर कर क्या रहा था। वहाँ पर गुंडे मवालियों की तरह सबको मारने पीटने लगा। एक दोस्त मिल गया, उसने प्यार से हाय कह दिया, वो तो सबको मारने पीटने के बाद मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं तो बहुत डर गई थी पापा। What? Yes, I was so scared. ये चॉइस थी आपकी मेरे लिए? लेकिन वो लोग तो कुछ और ही कह रहे थे। जाहिर है लड़की पर ही इल्जाम लगाएंगे ना पापा। पापा मैं इतना डर गई थी, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी उसके साथ। इन सब लोगों ने फोर्स किया। इतना पुराना जानते हैं हम उन लोगों को। आप कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं साथ लेके घूमता ना?
इसकी जरूरत क्या थी? घर में बुला के इनकार कर देते। पापा वो लोग इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो हमें लगा कि अरे क्या लगा, मैंने कहा था कि जमान की बेटे की शादी में मुलाकात हो जाएगी, वही काम हो जाएगा सारा, क्यों किया फिर ये? भाई साहब, भाभी ने सोचा कि ऐसे चॉइसेस दे दें, ये है भी तो इतनी पिकी, बाजार तो वो ठीक ठाक ही नजर आते थे लोग, हमें क्या पता था कि अभी जो भी है ना आइंदा ऐसा नहीं होगा, समझे? जाओ मेरा बेटा। चलो फरिया, आज के लिए बहुत हो गया, चलो, मुझे तो पहले ही पता था, टोटल डिजास्टर। अच्छी खुशबू आ रही है। क्या पत्र है? मेरी किरण का पसंदीदा कोरमा आ रही है ना। अरे किरण आ रही है, जबरदस्त। अरे कब से नहीं मिला मैं उसको, जब से ससुराल हुई है गायब ही हो गई है, मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं देती सही से। आ लेने दे दो इसको, इसकी खबर लेता हूँ। तो कोई खबर लेने की जरूरत है, वही उसका घर है, वो उसके घर वाले, सेटल होने दो बहन को। क्या मतलब, हमसे ताल्लुक टूट गया? नहीं टूटा नहीं है, बस बदल गया। क्या करते हो? जादू है भाई आपके हाथों में, वाह क्या खीर बनाई है। वो तो है, लेकिन मेरा बच्चा इतना खुश क्यों है? कहीं वो बात सही तो नहीं लड़की वाली? क्या वो किरण आ गई? मैं दरवाजा खोलूंगा। फरहान, कोशिश कर सकते हो कि अपने बाप से आज ना उलझो, उलझो मत, किरण परेशान होगी, मेरी तो वैसे हर बार हालत खराब होती तुम दोनों के झगड़े में, कोशिश कर सकते हो माँ के लिए। पक्का? हाँ हाँ पक्का जी। अस्सलाम वालेकुम, किससे मिलने आपने? पास नहीं कर, माफ करो बात लेने है। फरहान, अच्छा नाम याद है हमारा? हमें लगा हमारा नाम ही नहीं याद। आई माना शादी होगी है, लेकिन मैं कुछ लगता भी हूँ कि नहीं? बिजी चल रही थी बस, दैट्स इट। हाँ हाँ, आलिंग साजन क्या हाल है? शाम को वापसी में पिक करता हूँ, मिलते हैं, बाय। इससे क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ है भाई। किरण सब ठीक है ना? यार नाराज है तू उसे। मुझसे क्यों? उस वीडियो वाली बात पे देख ली उसने वीडियो। अबे बच्चा है क्या यार ये, मतलब वो चाहती है ऐसी बातें लड़कों के बीच में बस भी करे। फरहाद, शाहजहान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इमेजिन करो यार कितना मतलब कितना इंसल्टिंग उसके लिए होगा ये सब कि उसके कजन्स ने भी देख लिया वीडियो। अरे यार तुम मुझसे बात करे ना, क्या सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेगा? अबे यूं हमेशा लड़ते रहेंगे हम दोनों। एक बात सुनो फरहाद, प्लीज कम से कम तुम रिटेलिएट नहीं करना, ठीक है? बल्कि शाहजहान की किसी बात का जवाब नहीं देना, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ जब तक वो भूल नहीं जाता ना उसके सामने नहीं आओ, मतलब बस मैं नहीं चाह रही हूँ कोई मसला हो। किरण सब ठीक है ना? ये कहीं मेरा गुस्सा तुम पे तो नहीं निकालता? जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं है फरहान, मैं बस ये कह रही हूँ आगे प्रॉब्लम नहीं हो कोई। मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी? इसलिए कह रही हूँ कि आगे मसला ना हो कोई, और क्या बात होगी? किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहजहान कल ऑफिस जाना था ना, उन्हें तो चाय पी के जाता ना, आएंगे शाम में आएंगे अम्मा। इधर तो कैसी हैं आप?
मेरी बेटी कैसी है? क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहे हो। हाँ बस आजकल हर जगह हैप्पी सॉन्ग सुनाई देते हैं। किरण भी आई हुई है आकर। और मेरी बहन कल चली जाएगी। उदास हो? मैं क्या करूंगी उसके बगैर। अरे तो इसमें हंसते वाली क्या बात है, तुम जब भी उसे मिस करना तो मुझे बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा सुनो, कल क्या पहन रही हो शादी पर? मुझे पता है तुम शादी की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। बस शादी में? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, पूरी दुनिया की शादी तो मैंने ऐसे ही कह दिया। अच्छा सुनो, कल शादी पे ज्यादा मेहमान लड़के ताड़ने की जरूरत नहीं है, समझ आई? जी नहीं, मेरे लिए ना सबने लाइन लगाई हुई है मेहमान लड़कों की, तो मुझे किसी ना किसी को तो देखना ही पड़ेगा ना। और फिर फायदा क्या इतना तैयार होने का, जब मुझे कोई देख नहीं सकता और मैं किसी को नहीं देख सकती तो। नहीं 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 नहीं, तो कोई नहीं तुम्हें देखेगा, एवी कोई तुम्हें देखेगा। अरे अरे अरे, अगर तुम इतना पोजेसिव हो रहे हो तो तुम आके देख लो ना। मैं पा? अगर हिम्मत है तो आकर दिखाओ, जगह और टाइम मैसेज कर दूंगी। बाय। देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हें। So sorry. Total disaster. It's okay. मैं ये ले लूं? जी जी। I am so sorry. ये मैं दरअसल मकसूद का है, मकसूद इधर है। यूसुफ भाई अंदर हैं? हाँ अंदर ही। मैं उनसे बोल। तुझसे मिले दर्द मिले या चैन मिले, जो भी मिले बस तुझसे मिले। यारा वे ओ यारा वे, रब ने हमें इशारा दिया। यारा वे ओ यारा वे, उसने हमें तेरा दीवाना तेरे शहर।
शहर में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ओह, तो ये क्या हो गया? ये कैसे टूट गए? Are you okay? हाँ, पता नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जूता टूट गया है। आपके हाथ से है ना खून निकल रहा है, ये इसको यहाँ रख लीजिए। मैं आपके लिए शूज का अरेंज करके आप जूता अरेंज करेंगे? वो मैं देख लूंगा, आप बैठो उधर आराम से, ठीक है ना? यहाँ का इंतजाम भी उन्हीं लड़कों से करवाया जिन्होंने ढोलकी का इंतजाम किया। नहीं, क्या हो गया, अपनी बेटी की शादी खराब करवानी है क्या? तो यूसुफ भाई के दोस्त से बोल के सारे इंतजाम करवाए। तुम आ गए? कैसे ना आता? वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि एक बार तुम मुझे देख लो, उसके बाद बड़े लाइनें लग जाएं। हमारे स्टैंडर्ड पे कोई पूरा ही नहीं उतरेगा। इतना गुरूर खुद पर? मैं हमारे प्यार पे। किसी को बेवकूफ नहीं बना दूंगा मैं तुमको। देखिए देखिए पापा, अपनी आंखों से देखिए क्या हरकतें करती फिर रही है ये आपकी लाडी। इसे तो इस बात की भी शर्म नहीं है कि वहां शादी चल रही, सारी बिरादरी जमा है। शुक्र करें इसे सही वक्त पे पकड़ लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। नहीं पापा। खामोश। एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। अंदर तुम्हारी बहन की शादी चल रही है, जो बात होगी घर जाके होगी, समझ आई? अब इसको तो उठा के बात देखो, नजर ना मुझे ये। निकल यहाँ से। तो मैं बाद में देखता हूँ। पापा, पापा। कनक, वे सईद, पापा पापा प्लीज मुझे एक दफा बात सुन रहे हैं। तुम्हारी बात सुनना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देख सकता। मेरी इज्जत है, कल को मेरा पैसा चला जाएगा तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
जारा बेटी की खातिर हथियार उठा के मैं उसे रुख्सत तो कर दूंगा, लेकिन हकीकत तो यह कि तुमने मेरा सर झुका दिया। पापा, दफा आप मुझे मेरी बात कहने का मौका। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आज तुम अपनी खुदगर्जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और जारा और मेहमानों के खातिर सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लगा के सबसे मिलो, प्लीज। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। हाँ आई, चाहो तुझे किसी की है? नाम बोल, नाम बोल। भैया क्या क्या वो भैया भैया को क्या हुआ? अलविदा, उसके भाई और भाभी ने हमें साथ देख लिया। कैसे? सुनने से बात करनी है, सिर्फ शिक्षण से बात करनी है। अबे बेटा, अबे मुझे भैया से बात करनी है, कदम की सारत नहीं होगी। ठंडे दिमाग से सोच ले भाई, कभी तू ठंडे दिमाग से सोच ले। तू भी गुस्से में, अगली पार्टी भी गुस्से में, सब बिगड़ जाएगा। मुझे मारने से मारने, प्रिया को कुछ मत कह, एक बार बात करने दे प्लीज। ये कुछ नहीं होगा, बेटी है उनकी, अपनी बेटी को ऐसे थोड़ी कूट देंगे यार, समझा कर मेरी बात सुन, आराम से ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। कभी कुछ ना करना कुछ करने से बेहतर होता है, समझ रहा है? अभी माहौल में गुस्सा है भाई, गुस्सा शांत होने दे, आराम से बातचीत करेंगे। ये सोच, ये धोपड़ा लेके चाचा को क्या दिखाएंगे? चेंज करने में बर्फ लेके आता हूं।
देखते देखते आ गया PSL 9। और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर।